नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल ग्रिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थियों की परीक्षाओं को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में। मैं आपको बता दूं दोस्तों, विश्वविद्यालयों द्वारा पूरा एक नोटिस जारी किया गया है जिसमें परीक्षाओं को लेकर के है वो हर स्थिति क्लियर की गई है। आपको बताया गया है कि परीक्षा में अब आपको कितने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, कैसे आपके पेपर होंगे, हर कक्षा के लिए पूरी जानकारी दी गई है। तो पूरी जानकारी दोस्तों ज़रूर देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल ग्रिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुँचे सही वह सटीक न्यूज़। ये आप दोस्तों देख सकते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल नोटिस आपके सामने दिखा रहा हूँ अभी दोस्तों, कुछ ही समय पहले है वो इसको जारी किया गया है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, उपयुक्त विषय अंतर्गत एवं संदर्भित पत्र के संदर्भ में जारी दिशा निर्देश एवं माननीय कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 13 जुलाई 2021 की अनुपालना में कोविड-19 वैश्विक महामारी के वर्तमान परिदृश्य को मद्देनजर रखते हुए विश्वविद्यालय की सत्र 2020-21 की परीक्षाएँ हैं वो निम्नानुसार दोस्तों आयोजित होगी। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, कोविड-19 वैश्विक महामारी के वर्तमान परिदृश्य को मद्देनजर रखते हुए स्नातक स्नातकोत्तर या सेमेस्टर परीक्षा 2020-21 में जिन प्रश्न पत्रों की समयावधि पाठ्यक्रमानुसार 3 घंटे निर्धारित है के स्थान पर प्रति प्रश्न पत्र की 1.5 घंटे समयावधि निर्धारित की जाती है, स्नातक कला वाणिज्य या विज्ञान संकाय जिसमें एक विषय में 2 प्रश्न पत्रों का आयोजन होता है के संदर्भ में परीक्षार्थियों के दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा निर्धारित प्रक्रिया अंतर्गत एक ही पारी में 1.5 घंटे यानी कुल मिलाकर के 3 घंटे की समयावधि में आयोजित होगी। इसी प्रकार कला या विज्ञान संकाय के कुछ विषय के प्रश्न पत्र जिनकी संख्या 2 से अधिक है उनकी परीक्षाओं का आयोजन 2 प्रश्न पत्रों प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र का एक ही पारी में आयोजित होगी तथा शेष प्रश्न पत्र तृतीय प्रश्न पत्र की परीक्षा आगामी दिवस में 1.5 घंटे की समयावधि में करवाई जाएगी। एक पारी में 3 घंटे की समयावधि में 2 प्रश्न पत्रों के आयोजन में प्रश्न पत्र वितरण में लगने वाले समय की क्षतिपूर्ति बाबत 5 मिनट का अतिरिक्त समय है वो भी परीक्षार्थियों को दिया जाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रथम प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका के संग्रहण के पश्चात ही जो द्वितीय प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका है वो वितरित की जाएगी। इसके आगे आप देख सकते हैं स्नातक कला संकाय के विषय डीप डम्प एंड ब्लाइंड के प्रश्न पत्रों की जो समयावधि है वो पाठ्यक्रमानुसार 4 घंटे निर्धारित है के स्थान पर प्रति प्रश्न पत्र 2 घंटे समयावधि में निर्धारित की जाती है तथा परीक्षार्थी को प्रत्येक प्रश्न पत्र से कुल पूर्णांकों के 50% प्रश्न पत्र को ही हल करना होगा। यानी दोस्तों आपको मान करके चलना है कि 100 नंबर का यदि पेपर आता है तो आपको केवल 50 नंबर का प्रश्न ही सॉल्व करने होंगे। आगे आप देख सकते हैं परीक्षार्थियों को दिए गए प्रश्न पत्र में विकल्प जैसे यूनिट या इकाई तथा अथवा और के अनुसार प्रश्नों को हल करने की बाध्यता नहीं होगी। परीक्षार्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में से कुल पूर्णांकों के 50% प्रश्न पत्र को ही हल करना होगा। परीक्षार्थी द्वारा उक्त निर्धारित अंक सीमा से अधिक प्रश्नों को हल करने पर अतिरिक्त प्रश्नों के हल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका में हल किए गए सर्वोत्तम प्रश्नों को ही निर्धारित अंक सीमा तक स्वीकार किया जाएगा। परीक्षक द्वारा मूल्यांकित किए गए 50% प्रश्नों के अंकों को 100% में परिवर्तित करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम है वो घोषित किया जाएगा। यानी दोस्तों केवल आपको मानकर चलिए 100 पूर्णांकों का आपका पेपर आता है तो आपको दोस्तों 50 नंबर के पूर्णांकों तक की पेपर हल करनी है। आप जो क्वेश्चन चाहे वो हल कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब भी आप क्वेश्चनों को हल करें ये जरूर देख लें कि आपने कितने नंबर के क्वेश्चनों को है वो सॉल्व कर लिया है। ये आप देख सकते हैं अधिकतम दोस्तों अंक सीमा बताई गई है, जो 100 अंक थी वो अब संशोधित 50% करने के बाद में 50 अंक हो गई है, जो 80 अंक थी वो अब 40 अंक हो चुकी है और जो 50 अंक थी उसको अब 25 अंक कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों पॉइंट नंबर 4 आप देख सकते हैं, जिन प्रश्न पत्रों की समयावधि पाठ्यक्रमानुसार 1.5 घंटे एवं 2 घंटे निर्धारित है उन प्रश्न पत्रों को परीक्षार्थियों द्वारा हल करने की समयावधि भी 1.5 घंटे एवं 2 घंटे यथावत रहेगी एवं परीक्षार्थियों को पूर्व वर्षों की भांति कुल पूर्णांकों के अनुसार ही प्रश्नों को हल करना होगा। इसके अतिरिक्त प्रश्न पत्र में विकल्प जैसे अथवा और एवं इकाई के अनुसार प्रश्नों को हल करने की जो बाध्यता है वो नहीं रहेगी। 1.5 एवं 2 घंटे के प्रश्न पत्रों की जो अधिकतम अंक सीमा है वो 100, 80, 60, 50 एवं 40 निर्धारित है, उन प्रश्नों को पूर्ण हल करना है, उनमें अंकों में कोई भी प्रकार का संशोधन है वो नहीं किया गया है। आगे आप दोस्तों देख सकते हैं विश्वविद्यालय की शेष रही परीक्षाओं यथा तृतीय सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2020
सर्टिफिकेट या डिप्लोमा बीए एलएलबी सेमेस्टर एलएलबी मुख्य एवं बकाया पूरक प्रश्न पत्रों का पैटर्न एवं समयावधि उक्तानुसार रखी जाएगी। साथ ही जिन महाविद्यालय या विभागों की सेमेस्टर तृतीय परीक्षा दिसंबर 2020 तथा विधि की आंतरिक या प्रायोगिक परीक्षा लॉकडाउन के कारण संपन्न नहीं हुई थी, उनकी आंतरिक या प्रायोगिक परीक्षा महाविद्यालय या विभाग में उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रणाली के माध्यम से राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार आयोजित करवाई जाएगी। यानी दोस्तों, आप देख सकते हैं जिनमें यदि किसी भी संकाय के विद्यार्थियों के तृतीय सेमेस्टर की या बीए एलएलबी सेमेस्टर की एलएलबी मुख्य की कोई भी परीक्षाएं बकाया रह गई है तो वो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्रकार आयोजित की जा सकती है। ये उस विभाग पर निर्भर करता है। यदि विभाग के पास संसाधन है कि वो ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करवा सकता है तो उनकी परीक्षाएं ऑनलाइन भी आयोजित हो सकती है। आगे आप देख सकते हैं स्नातक स्नातकोत्तर या सेमेस्टर परीक्षा 2020-21 की प्रायोगिक परीक्षा हेतु विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों से परीक्षार्थियों के द्वारा महाविद्यालय में जमा करवाई गई पहली असाइनमेंट के आधार पर ही प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करवाई जाए, जिसमें परीक्षार्थी की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है। जिन प्रायोगिक विषयों में केवल प्रेजेंटेशन, वाइवा वॉस और सेमिनार का आयोजन होता है, उन विषयों की प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रणाली के माध्यम से संबंधित महाविद्यालय या विभाग द्वारा करवाया जा सकता है। जिन पाठ्यक्रमों में आंतरिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है उन पाठ्यक्रमों में फाइली असाइनमेंट ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर है वो मूल्यांकित किए जा सकते हैं। इनमें दोस्तों जो सेमेस्टर वन वाले विद्यार्थी है वो भी शामिल हो जाते हैं कि सेमेस्टर वन में इंटरनल एग्जाम है वो करवाए जा सकते हैं। हालांकि मेन एग्जाम को लेकर के दोस्तों सेमेस्टर फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए कोई बात इस नोटिस में नहीं की गई है, इसलिए यही लगता है कि अभी सेमेस्टर फर्स्ट के जो मेन एग्जाम है वो होने की संभावनाएं कम नजर आ रही है। बाकी दोस्तों देखना होगा। आगे आप देख सकते हैं कोविड 19 प्रोटोकॉल के तहत परीक्षा केंद्र राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी एडवाइजरी एवं समस्त दिशा निर्देशों की पालना यथा मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग, सामाजिक दूरी एवं परीक्षा केंद्र को सैनिटाइज करवाना आदि की पूर्णतः पालना सुनिश्चित करेंगे ताकि संक्रमण की विषमता को नियंत्रित करते हुए परीक्षाओं का सुचारू रूप से संचालन हो सके। डॉक्टर राकेश राव जी है जो कि परीक्षा नियंत्रक है, उनके नीचे सिग्नेचर है और नीचे उप कुल सचिव डॉक्टर कुलदीप मिश्रा जी ने भी दोस्तों सिग्नेचर है वो ये किए हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट दोस्तों राजस्थान विश्वविद्यालय से आ रही है। राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों से भी किसी भी प्रकार की अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको हमारे अपने चैनल ग्रीमा बोथरा के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।